दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये दैनिक जागरण में भागलपुर, दैनिक जागरण भागलपुर 3 मार्च 2019 को ये मतलब छपा है, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। और ये जो वहाँ पे बिहार टेक्निकल सेवा आयोग में जो है, ये 2 तारीख को ही विज्ञापन दे दिया गया था। ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कितने पद हैं और कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो है कनिष्ठ अभियंता, या ये कह लो कि कनीय अभियंता या अवर अभियंता की जॉब है, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जूनियर इंजीनियर की जॉब है। इस समय जूनियर इंजीनियर इसकी काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो चलो देख लेते हैं। ये है हमारा बिहार टेक्निकल सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना। प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 01, तिथि 02/03/2019। और इसमें दे रखा है कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के रिक्त पदों पर स्थायी नियोजन हेतु चयन। लिखा हुआ है, एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत यांत्रिक विद्युत के कुल, इसमें यह भी लिख रखा है, असैनिक यांत्रिक विद्युत के कुल 3037 पदों पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक से सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/4, मतलब 15 अप्रैल 2019 तक आमंत्रित किया जाता है, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विज्ञापन से विस्तृत सूचना विवरण जानकारी एवं ऑनलाइन भरने हेतु निर्देश बिहार टेक्निकल सेवा आयोग के वेबसाइट दे रखी है। वेबसाइट यहाँ पर BTSC और या दूसरा है pariksha.nic.in पर 11 मार्च 2019 से देखा जा सकता है। मतलब ये 11 मार्च से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व वेबसाइट प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने से हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लें। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो उससे पहले पूरा जो नोटिफिकेशन आएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन, उसे ढंग से पढ़ लें, उसमें देख लें कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, कि किस स्टेप में आपको कैसे कैसे भरना है, कितना पुराना सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, उसमें सारी चीज़ें दिखा रखी होंगी, फ़ोटो किस फॉर्मेट में चाहिए, साइन किस फॉर्मेट में चाहिए। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। सभी कोटि के उम्मीदवार हेतु निर्धारित किए गए शुल्क की राशि एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया जो विज्ञापन में अंकित है के अनुसार उम्मीदवार आवेदन भरते समय शुल्क का भुगतान करेंगे और उक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पता कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर दिया है 18003456221 पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय अवधि का मतलब पता ही होगा। और ये देखिए, ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे उप सचिव बिहार टेक्निकल सेवा आयोग पटना ने दिया हुआ है। और ये दैनिक जागरण की खबर है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दैनिक जागरण भागलपुर 3 मार्च 2019 को ये वहाँ पे विज्ञप्ति जारी हुई है। और बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।